अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। यकीनन आप लोग नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला को तो जानते होंगे, जिनके टिकटॉक के ऊपर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला का एक यूट्यूब चैनल था नदीम मुबारक ऑफिशियल, जिसके ऊपर उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले थे। नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि नदीम मुबारक ऑफिशियल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला का यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट हुआ, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला का यूट्यूब चैनल किस यूट्यूब ने डिलीट करवाया। मुकम्मल हकायक मुकम्मल सबूत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कौन कौन सी गलतियां कर रहा था, जिसकी वजह से नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया। ताकि अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हो या फिर आप लोग नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला के फैन हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि शुरू में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सबूत शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, टिकटॉक के ऊपर आप लोग जिस तरह की मर्जी वीडियो अपलोड करें, वहां पे आप लोग फॉलोअर इकट्ठे कर लेते हैं। वहां पे आप लोग गानों के ऊपर लिपसिंग करके अगर अपलोड करो, यहाँ पे आप लोग गाली गलौज अपलोड करो, लोगों को जेली आईफोन का झांसा देके वहां से आप लोग फॉलोअर इकट्ठे करो, या फिर आप लोग किसी के खिलाफ हेटफुल कंटेंट अपलोड करके वहां से भी आप लोग फॉलोअर इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन दो हफ्ते पहले एक पंगा हो जाता है जी नदीम मुबारक और फनानी वाला का, डस्का के दो रोस्टर है बदरा ब्रदर के साथ। क्या होता है कि नदीम मुबारक और फनानी वाला उनको व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा धमकियां देता है। धमकियां देने के बाद नदीम मुबारक और फनानी वाला उनको मिलने डस्का आ जाता है। डस्का आने के बाद वो बदला ब्रदर को वहां से अगवा करता है। वहां पे डस्का के थाने में नदीम मुबारक और फनानी वाला के खिलाफ FIR दर्ज होती है। उस FIR के बाद नदीम मुबारक और फनानी वाला को अपने 3 साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद YouTube के ऊपर एक जंग शुरू हो जाती है। नदीम मुबारक और फनानी वाला अपने YouTube चैनल के ऊपर रोस्टिंग स्टार्ट कर देता है। इधर बदरा ब्रदर अपने सबूत के साथ नदीम मुबारक और फनानी वाला के खिलाफ वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर देता है, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ हेटफुल कंटेंट अपलोड करते हैं, एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक सेंड करते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि ये टिकटॉक स्नैक वीडियो एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप लोगों ने YouTube के ऊपर काम करना है, तो YouTube के ऊपर काम करने के लिए आप लोगों को हेटफुल कंटेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग रोस्टिंग करते हो तो आप लोगों के वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जाता। यहां पे नदीम मुबारक और फनानी वाला ने बदरा ब्रदर के YouTube चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स भेजे और उसके YouTube चैनल को डिलीट करवाने की कोशिश की। यहां पे नदीम मुबारक और फनानी वाला ने इन दोनों रोस्टर्स के खिलाफ अपने YouTube चैनल के ऊपर हेटफुल कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया था और YouTube की पॉलिसी की वायलेशन करनी शुरू कर दी थी। YouTube के ऊपर इसने खुलम खुला इन दोनों रोस्टर्स को धमकियां देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अगर आप लोग नदीम मुबारक का YouTube चैनल YouTube के ऊपर जाके सर्च करें तो आप लोगों को वहां पे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग इसके TikTok अकाउंट के ऊपर जाएं, वहां पे इसके YouTube चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है कि नदीम मुबारक के YouTube चैनल के ऊपर डिफरेंट किस्म के YouTube की पॉलिसीज को वायलेशन किया, जिसकी वजह से इसका YouTube चैनल डिलीट कर दिया गया है। यहां पे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि बदला ब्रदर और बकर ब्रो ने इनका YouTube चैनल डिलीट करवाया। तो भाई आप लोगों को बताता चलूं कि इन दोनों यूट्यूबर्स का इसमें हाथ हो या ना हो, लेकिन नदीम मुबारक जिस तरह की वीडियोस अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा था, इसका YouTube चैनल डिलीट होना था। अल्लाह का शुक्र है इस तरह के दो नंबर लोगों के YouTube चैनल डिलीट हो रहे हैं। और आप लोगों को बताना चलूं कि नदीम लांती वाला का YouTube चैनल डिलीट हुआ है, अच्छा हुआ है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका YouTube चैनल वापस आना चाहिए या नहीं आना।